देश में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, जबकि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों राष्ट्रीय पर्वों पर झंडा फहराने के नियम भी अलग अलग होते हैं। आइए समझते हैं कि दोनों राष्ट्रीय पर्वों पर झंडा फहराने का नियम क्या है। 15 अगस्त को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराएंगे। आजादी का जश्न मनेगा और स्वतंत्रता के तरानों के बीच देश को गुलामी की जंजीरों से आजादी दिलाने वाले याद किए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम ही क्यों करते हैं ध्वजारोहण? तो इसका जवाब है कि साल 1947 15 अगस्त के दिन जब भारत को आजादी मिली तो उस वक्त देश में संविधान लागू नहीं था और ना ही तब तक राष्ट्रपति ने पदभार ग्रहण किया था, तो उस समय प्रधानमंत्री ही देश के मुखिया थे। इसी वजह से आजादी मिलने पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से ध्वजारोहण किया था। लेकिन आजादी के बाद जब 26 जनवरी 1950 में देश का संविधान लागू किया गया तो राष्ट्रपति शपथ ले चुके थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के संवैधानिक प्रमुख थे, ऐसे में उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फहराया था। तब से लेकर आज तक यही परंपरा चली आ रही है कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं और गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों ही राष्ट्रीय पर्वों की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं, जिसके साथ ही राष्ट्रीय पर्व की शुरुआत होती है। ध्वजारोहण और झंडा फहराने में अंतर बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन ध्वजारोहण और झंडा फहराने में भी काफी अंतर है। दरअसल 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज को ऊपर बांधा जाता है और वहीं खोलकर झंडा फहराया जाता है, इसलिए गणतंत्र दिवस के दिन ध्वजारोहण नहीं बल्कि झंडा फहराया जाता है। वहीं अगर बात करें स्वतंत्रता दिवस की तो 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय ध्वज को ऊपर की तरफ खींचा जाता है और फिर फहराया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था उस वक्त ब्रिटिश सरकार का झंडा उतारकर भारत का झंडा चढ़ाया था। यही वजह है कि 15 अगस्त के दिन तिरंगा ऊपर की तरफ खींचने के बाद फहराया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण लाल किले की प्राचीर पर होता है, यहीं से प्रधानमंत्री देश की जनता को संबोधित करते हैं, जबकि गणतंत्र दिवस कर्तव्य पथ पर आयोजित होता है, यहीं से भव्य परेड भी निकलती है। स्टोरी आपके लिए तैयार की है हमारे साथी मंचकार ऋषभ ने। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। स्टोरी पर अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।